मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। तो आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है, भगवान कृष्ण की छाती पर वहीं पे, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें, और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है, उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता, हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती, देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाएं, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए, हमने इनको मंदिर भी बना के दे दिया, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट, इसमें अमेरिकन्स और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश, कुछ नहीं कर सकते, और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना है उनको। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहां से पैसा कमा के ले जा सकता है। जब वो आना शुरू होंगे तकलीफ कर देंगे इस देश को। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, ये यूरोपियन और अमेरिकन्स को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पर लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में सबसे आसान है, एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गांव में ले लो, जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता। अगर वो इस सेक्टर में घुड़े और यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आप सोचिए फिर झगड़ा होगा, हमारे जैसे आदमी जाएंगे कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार। इसी तरह से और कल्पना करिए, विदेशी बैंक आ रहे हैं, उन्होंने शाखाएं खोलना शुरू किया। मैं आपको एक ही विदेशी बैंक का उदाहरण देता हूं, उसका नाम है HDFC। 1992-93 में ये बैंक जब भारत आया था तो इसकी एक शाखा खुली थी, एक सिर्फ एक ब्रांच थी, और उसमें डिपॉजिट जीरो था, एक ब्रांच थी, डिपॉजिट उसमें जीरो था, HDFC भारत आया था तब। आज HDFC को भारत में व्यापार करते हुए 10 साल हो गया है, HDFC की 10 साल में 243 ब्रांच भारत में खुल चुकी हैं और उनके पास 70,000 करोड़ का डिपॉजिट है, जीरो से शुरू किया था, 70,000 करोड़ का डिपॉजिट उन्होंने इस देश के लोगों से इकट्ठा कर लिया है। अगले साल से WTO की कंडीशंस आने के बाद HDFC को और खुला मार्केट मिलेगा और वो 1,000 शाखाएं बनाएंगे और हो सकता है 2-3 लाख करोड़ का डिपॉजिट करेंगे, और इतना डिपॉजिट करके किसी दिन वो घोटाला करके भाग जाएं तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा हुआ है इस देश में। आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था अमेरिका का, सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था, हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में, स्कैम सिटी बैंक ने किया था।
हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था, सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आके हर्षद मेहता को खड़ा किया और हर्षद मेहता को पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से उससे कहा कि शेयर खरीदो, हमको दो। तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था, सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था, पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक ने खेल क्या खेला कि भारत की कुछ कंपनियों को उठाना है, कुछ को गिराना है। जिन कंपनियों के शेयर सिटी बैंक के पास है उनको उठाना है, जिनके नहीं है उनको गिराना है। ये खेल में वो लग गए। हर्षद मेहता उनको कठपुतली की तरह से मिल गया, उसने खेल खेला और उस खेल में हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए, कम से कम 76,000 करोड़ रुपए डूब गया इस देश का। और जब ये सारा घोटाला खुला और घोटाले पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी भारत सरकार की संसदीय समिति ने की, संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है, सिटी बैंक जिम्मेदार है, तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मनमोहन सिंह ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर और आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां से, अमेरिका नाराज हो जाएगा। और इसी अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही की अमेरिका में कि उनके हालत खराब हो गए, लेने के देने पड़ गए। इसी अमेरिका ने भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अमेरिका में इन्वॉल्व हो गई थी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन में जिनका पता नहीं था और अमेरिका ने डाउट किया था कि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं टेररिस्ट को। अमेरिका में एक नियम है, एक अमाउंट से ज्यादा का पैसा निकाला जाए और जमा किया जाए तो उसका सारा इंक्वायरी करना, नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए थे जिनका कुछ अता पता नहीं था, उसमें अमेरिका ने इतना हैवी पेनल्टी ठोंका उनके ऊपर कि एक ब्रांच का पूरा डिपॉजिट उसमें जाने की स्थिति आ गई। अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ को पूरा छोड़ दिया। हाँ हाँ, इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं। और आपको मालूम है रामनिवास मिर्धा नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त जांच समिति ने यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइंड अप करने का आदेश दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर बंद करा दीजिए, नहीं तो ये देश को लूटेंगे। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया क्योंकि अमेरिका से डर है, अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, HDFC, ANZ ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं। और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते, उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना है, सर्विस देनी, इनको बिजनेस करना है। तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह। और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पे काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।